इसी दिन जो आज टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रिव्यू बैठक थी, उसमें एजेंडास जो हम लोग हमारा जो समिट होने वाला है राइजिंग राजस्थान, उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट का क्या रोल होगा, अभी से हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा थी, और जो बजट घोषणाएं थी उसके बारे में क्या अभी तक हमने उसमें कार्रवाई की है उसके बारे में, और भी बहुत सारे एजेंडास थे उनके बारे में चर्चा थी, और आगे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं राजस्थान में उसके बारे में। समिट को लेकर अधिकारी की जिम्मेदारी क्या क्या प्रोग्राम होंगे, और इसमें जो सब प्री समिट है वो 8 तारीख को भी हो रहा है, अक्टूबर को, तो उसमें क्या? जी जी, जो 8 तारीख को प्री समिट है उसमें भी बहुत सारे हम लोग स्टेक होल्डर्स को बुलाने वाले हैं, उनसे पूरा राजस्थान में कैसे इतनी संभावनाएं हैं टूरिज्म की उसके बारे में उनको बताएंगे, और होपफुली उस समय भी बहुत सारे हमारे टाई अप्स होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे उस समय, मुझे लग रहा है होपफुली वी विल हैव सम MOUs आल्सो जो उस समय हम लोग कर पाएंगे। राजस्थान यूनिट पॉलिसी पर बिल्कुल टूरिज्म आज राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी पे भी डिस्कशन हुआ, उसको भी बहुत जल्दी फाइनलाइज करके उसको भी लॉन्च कर। मैम सड़कें शहर की बहुत खराब हो रही है, टूरिस्ट आ रहा है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया ट्रैफिक, उसके लिए क्या प्लान आ रहा है? नहीं, अब टूरिज्म में क्या है कि टूरिज्म ऐसा विभाग है जो सिर्फ हर विभाग से उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, और सबके साथ एक साथ मिलकर ही हम लोग टूरिज्म को सक्सेसफुल बना सकते हैं। टूरिस्ट, कोई भी टूरिस्ट आता है उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, जहाँ भी वो विजिट करता है उसका विजिटर एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसके लिए जरूरी है सड़क अच्छी हो, उसके लिए जरूरी है फैसिलिटीज हो, उसके लिए जरूरी है सेफ्टी हो, उसके लिए जरूरी है पूरा अच्छा माहौल हो, सफाई हो, तो वो सब चीजों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए जयपुर वॉल सिटी का भी मैंने दौरा किया था, लगातार मैं इन लोगों के पीछे पड़ी हूँ कि जो अलग विभाग है, चाहे UDH है, चाहे और कोई विभाग है वो लोग, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उन लोगों का भी काम लगातार चले, उनका भी सहयोग रहे, ताकि हम वही एक्सपीरियंस और वो विजिटर वो अच्छा बनाए, वो बिल्कुल टॉप क्लास। मैम POW को लेकर बात करें तो सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, इस बार लास्ट जा रहा है, उसमें टूरिस्ट भी कम ही देखी जा रही है, क्या डिपार्टमेंट वो जाके वो जो समझौता हुआ था वो हम लोग हमारी सरकार से पहले हुआ था, अब वो क्या सोच के उन्होंने उनके साथ किया वो अलग बात है, हम लोग पूरी तरह से उनपे पीछे पड़े हुए हैं कि वो जल्द से जल्द ये जो ट्रेन हमारी है, आइकॉनिक ट्रेन है हमारी, उसको जल्द से जल्द शुरू। आरटीसी होटल्स को लेकर क्या अपडेट है मैम? अभी कोई अपडेट नहीं है, जब अपडेट होगी तो पता पड़ जाएगा। बेसिकली क्या है कि हम लोगों को बहुत अच्छा एक माहौल बनाना है राजस्थान में, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और वो राजस्थान को अपना नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए, चाहे वेडिंग्स के लिए आए, चाहे वो रूरल टूरिज्म के लिए आए, चाहे वो इको टूरिज्म के लिए आए, वाइल्ड लाइफ के लिए आए, या वो सिर्फ घूमने के लिए आए, तो वो बहुत जरूरी। अभी वो हमने जो ऐप बनाया है, सेवा ऐप जो बनाया गया है, वो उसमें जब जितनी भी DLP की सड़कें हैं, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की जो सड़कें हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, उसमें जो हमारे वहाँ पर इंजीनियर्स हैं ऑन साइट जिले में, वो जो है उनको लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, इट्स अनिवार्य है कि आप मॉनिटरिंग करके फोटो सहित, लोकेशन सहित, टाइम टू टाइम उस ऐप में फोटो अपलोड करेंगे, और उसमें क्या हो रहा है, उस सड़क की क्या हालत है, उसको भी अपलोड करेंगे, उसके बाद वो जो अपलोड होगा वो मेरे तक पहुंचेगा, PWD डिपार्टमेंट तक पहुंचेगा, और उसपे अगर हम लोगों को लगेगा कहीं भी अप टू द मार्क नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई होगी। ये ऐप है।